हाय हाय हेलो हेलो हाय ब्रो हाय हेलो हेलो हाय एवरीवन व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। हाय हेलो 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 सेड, हाय कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूँ शिव, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हेलो प्रियांशी शर्मा, हाय हाय हेलो हेलो हाय, प्लीज टेक माय नेम। हाय निकेतन, हाय निकेतन, हाय विश्वजीत, हेलो हेलो खुशी चौधरी, हाय खुशी, हाय वंशिका, हाय सागर कौशिक, हेलो प्रिया, इट्स एंजल जूलियट, प्लीज से माय नेम जूली। हे जूली, 11,000 पीपल आर वॉचिंग मी राइट नाउ। हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, हाउ वाज योर मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तो हमेशा शुरू ही होती है वर्कआउट से, तो अभी जस्ट मैं अपना वर्कआउट फिनिश करके आया हूँ एंड आई थिंक लाइव बहुत टाइम से नहीं आया था, तो आई थिंक आज के दिन अच्छा है मेरे लिए लाइव आना, बिकॉज मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी नहीं है, तो मैं सोचा कि आज लाइव भी आ जाता हूँ और आप लोग से दो तीन चीज़ें पूछता भी हूँ कि क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में भी। जैसे अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि यू नो घर की सफाई, और अभी जस्ट मैंने अपनी इस वाली वॉल को पेंट करवाया दोबारा से, बिकॉज दिवाली आती है तो दिवाली में यू नो आप क्या करते हो, घर की सफाई करते हो एंड और मेरी मम्मी को सफाई बहुत पसंद है, समझ रहे हैं आप, मेरी मम्मी को सफाई बहुत पसंद है। अगर घर चमक भी रहा है फिर भी मम्मी सफाई करेंगी एवरी डे, तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद है सफाई। और अभी तो दिवाली आ रही है, दिवाली में आप क्या करते हो, दिवाली में आप घर की सफाई करते हो, नई नई चीज़ें खरीद के लाते हो, लगाते हो घर पे एंड पोंछते हो हर चीज़ें ताकि वो चमकते रहें, और बहुत अच्छी चीज़ होती है। आई थिंक ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं इसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं जिससे कि जो वाइब होती है वो भी फिर से ज़िंदा हो जाती है घर में, तो हमें ऐसा करते रहना चाहिए। सिद्धू प्लीज टेक माय नेम ईशा, हाय ईशा मंडल, हे सिड प्लीज से माय नेम वैष्णवी, हाय वैष्णवी आई एम गुड, आई लव दिस पिक्चर, थैंक यू दिस पिक्चर, थैंक यू सो मच। ये देखिए ये अलादीन का चिराग रखा हुआ है, आई विश ये रियल होता और मैं इससे रब करके इससे जीवन निकाल पाता। चंचल, हाय चंचल, हिमानी प्लीज टेक माय नेम, हाय हाय हेलो व्हाट्स अप, यू आर माय क्रश, ओह थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर नेम, निशा, थैंक यू सो मच निशा। सो गाइस अभी तो बस दिवाली का यू नो माहौल चल रहा है, दिवाली आने वाली है तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, घर की सफाई चल रही है, आप लोग मुझे भी देखेंगे। मैंने अभी बीच में ये वॉल भी पेंट कराई है दिनेश भाई राम भाई के साथ मिलके, और अभी से मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। बेसिकली वॉल में मैं दो चार स्टिकर लगाऊंगा, वॉल स्टिकर्स, ताकि एक अच्छा लगे, और मुझे ये सब चीज़ें करना अच्छा भी लगता है, थोड़ा सजावट मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आप मेरा मेकअप रूम भी देखते होंगे, देखा होगा आपने जब मैं शो कर रहा था अलादीन, या मैं कोई भी शो करता हूँ कुछ भी करता हूँ तो मेकअप रूम में बहुत अच्छे सजा लेता हूँ, तो मेरे फैंस जितने भी मुझे यू नो लोग गिफ्ट्स देते हैं अपने एडिट्स बना के देते हैं और वो मेरे तक पहुँच जाते हैं, तो उसको मैं अपनी वॉल्स पे या फिर अपने मेकअप रूम में लगा लेता हूँ। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, सी दिस, दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड थैंक यू सो मच। इसमें कितनी अच्छी उन्होंने फोटो लगाई हैं, लाइट लगाई हैं एंड दिस थिंग रियली हेल्प इन द नाइट, क्योंकि मैं सारी लाइट्स बंद कर देता हूँ, हल्की सी लाइट जलते रहती है तो अच्छा लगता है, और एकदम अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा सा नींद नहीं आती है। वैसे डेफिनेटली आँख बंद होती है तो नींद अपने आप सब कुछ डार्क हो जाता है, बट स्टिल बीच में आँख खुल गई पूरा अंधेरा वो मेरे से नहीं देखा जा सकता। हाय मृदुल प्लीज टेक माई नेम, बिग फैन मृदुल डॉट नीना 17, हाय
अरे आई लव दिस सॉन्ग, मानी के मागे ही थे, आई रियली लव दिस सॉन्ग, ओनली दिस पोर्शन, दैट्स इट. हेलो सिर अश्नूर के साथ वाला सॉन्ग कब आएगा? ओ ओ आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता वो गाना कब आएगा, वो गाने के साथ क्या हुआ. आई थिंक कुछ इश्यूज हुए हैं उस गाने को लेके, टेक्निकल इश्यूज जिसकी वजह से वो गाना आ नहीं पा रहा है. Hey Sid, can you take my name? Adi. Hi Adi. See Aditya. Somebody saying Mridul Mina खुद celebrity होकर दूसरे को बोल रहा है नाम लेने. Well, definitely Mridul Mina एक बहुत अच्छा इंसान है and he's a very good guy. So और हम सब एक अच्छे दोस्त हैं. अश्नूर कौर, आज जिम क्यों नहीं आए? जस्ट मेट आंटी जी. बिकॉज आज तुम लेट आई हो और मैंने आज जिम सुबह ही कर लिया था 8 बजे ही, और उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी यू नो दूसरी एक्सरसाइज की, कैलिस्थेनिक और क्रॉसफिट टाइप सा. सो इसीलिए मैं जिम में आज ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, जिम में आज मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, बल्कि मैंने आज दूसरे एरिया में जाके अपना वक्त बिताया जिम में. तो आज मैंने ज़्यादा क्रॉसफिट किया है और रील बनाया. 10 मिलियन सुन, अरे यार क्या ही बताऊँ, ये 10 मिलियन कभी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी से 10 मिलियन हो. आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट कि जल्दी से 10 मिलियन हो और फिर हम सब सेलिब्रेट करें 10 मिलियन. जल्दी जल्दी आई थिंक आप लोग ही कर पाएंगे इसको. तो जल्दी से यू नो 10 मिलियन करिए एंड और ढेर सारा यू नो कमेंट करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, तो डेफिनेटली 10 मिलियन हो ही जाएंगे. Hey Sid, take my name. Hello, क्या नाम है आपका? Cutie5Pie. Cutie5Pie. Your background is so beautiful. Finally, thank you so much. Well, I was very nervous because ये जो कलर होता है ना, इस कलर को बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, बिकॉज वाइट में जब आप मिक्स करते हैं कलर तो उसके बाद सूखने के बाद ही कुछ और दिखता है. तो मुझे यही कलर चाहिए था सेम, तो मैंने कम से कम मुझे 3-4 बार ट्राई करवाया, एक बार ब्रश मार के उसको सूखने दिया, उसमें से 3 बार में से ये कलर आया तीसरे वाले ब्रश में, तो मैंने बोला कि हाँ कलर. वसूली वसूली कोई बात नहीं, शांत हो जाओ. मेरे घर पर जो भी आता है या कोई भी आता है और गेट में बेल बजाता है, तो सबसे पहले वसूली भौंकना शुरू करता है, ऐसा लगता है कि वही जाके गेट खोल देगा. हा हा हा, गुड गुड, चलो एंजॉय द लाइव, गोना टेक अ लीव, क्लास हैज स्टार्टेड. ओके अश्नूर कौर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से. हीरो गायब मोड ऑन में कब आओगे? यार मेरा 2 महीने का कैमियो था और 2 महीना आप लोगों ने शिवाय को बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड इतना ज़्यादा आप लोगों को वो कैरेक्टर पसंद आया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. बट नाउ आई थिंक द शो आई थिंक अब ख़त्म होने वाला है. सो यस, द अभी शिवाय दोबारा नहीं आ रहा है और शो भी बहुत जल्द अभी यू नो ख़त्म हो रहा है. अलादीन, आपका पूरा एपिसोड, अलादीन आपका पूरा एपिसोड देखे हैं, थैंक यू सो मच अलादीन का पूरा एपिसोड देखने के लिए. अलादीन नाम तो सुना होगा. आप डेली व्लॉग किया करो. नहीं होता यार मेरे से डेली व्लॉग. Hey, I wanna listen my name from your mouth, okay? Just concentrate, you know, on my mouth. Riddhi. Just woke up and the first face to see in the morning, that to my love. Oof, how sweet. What's the name? Bubbly. Bubbly into M. Bazani. Well, Bubbly is a cute name. Hi, Bubbly. Bengali आता है. अमी तो मुको बालो बाशी, बस इतना ही आता है. मैं जब नेशनल्स खेलने जाता था तो हम लोग आई वी यूज टू ट्रेवल यू नो ऐसे स्टेट स्टेट में जाते थे हम लोग, तो पंजाब अपना कोलकाता हर जगह मैं नेशनल्स खेला हूँ. तो हम जब भी जाते थे तो हमारी जो यू नो दूसरी अपोनेंट टीम होती थी वो दूसरे स्टेट से होते थे. तो जब मैं कोलकाता गया था तो वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत बंगाली सिखा दी.
सूखी सूखी मैं ड्राई मत कर दीजिएगा, थोड़ी सी गीली रखिएगा। ओके गाइज, आई एम यू नो मैं मैगी खाने वाला हूँ बिकॉज मैं भी जस्ट वर्कआउट करके आया हूँ। डेफिनेटली घर का इतना काम एक साथ फैला हुआ है तो सिर्फ एक मैगी है जो मुझे अभी जो मैं खाने वाला हूँ। मुझे भूख बहुत तेज लगी है और मुझे थोड़ी गीली मैगी पसंद है, एकदम ड्राई भी नहीं और एकदम गीली वाली भी नहीं, थोड़ी सी गीली मैगी। हाँ तो मैं कह रहा था मैं नेशनल्स खेलने जाता था तो मैंने कोलकाता में ये दो चार वर्ड सीखे थे, अमी तुमा को बालूबाशी, बस इतना ही है। अलादीन चालू कर दो यार सर प्लीज, यार मेरा खुद का बहुत मन है, मैं अलादीन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ब्रो केरला फैन हाय व्हाट्स अप, बैकग्राउंड म्यूजिक इज किलिंग इट, आई जस्ट लव दिस लोफी सॉन्ग्स, यू नो रात में ऐसे मैं यू नो सोने से पहले ऐसे ये ऐसे गाने बजा देता हूँ, मुझे अपने आप नींद आ जाती है। बॉडी बिल्डिंग इज गुड, थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्प्रेड फिटनेस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू नो इट्स गुड टू डू एवरी थिंग, इट्स गुड टू एक्सप्लोर एवरी थिंग, इट्स गुड टू नो एवरी थिंग, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट इज गुड फॉर योर बॉडी। सो मेक श्योर दैट वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, वॉट एवर यू आर हैविंग, have it, try it, give it a try, explore it, experience it, and then उस चीज़ को समझो कि वो चीज़ सही है या नहीं। So this is very, this is a very important thing. वसूली जाओ लैपटॉप लेके आओ। मैंने भी अशोका देखा है पूरा, इन दैट यू आर सुपर्ब, थैंक यू सो मच, या योर बंगाली प्रोनंसिएशन इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अनुष्का इज बंगाली, अनुष्का से बंगाली सीख लो, अनुष्का सेन सुन लो ये चीज, रोज तुम्हें मुझे एक घंटा क्लास देनी पड़ेगी बंगाली की। प्यार करता हूँ अपनी ईशा से, बहुत प्यार करता हूँ पर साबित कैसे। यार देखो इसका जवाब मैं कैसे दूँ कि आप अपनी ईशा से इतना प्यार करते हैं और आप अपना प्यार साबित करना चाहते हैं। देखो प्यार को आप साबित नहीं कर सकते हो, प्यार को आप फील कर सकते हो। तो जिस दिन ईशा को आपका प्यार फील होने लगेगा डेफिनेटली उसे पता चल जाएगा कि आप उसे प्यार करते हो, तो साबित करने के पीछे मैं वो जस्ट फील इट एंड लेट हर फील योर लव। बिग फैन भाई, थैंक यू सो मच, आई लव योर सॉन्ग तेरी आदत, तेरी आई कैन सिंग बट नॉट नाउ, तेरी आदत डेफिनेटली इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, बहुत अच्छे से हमने उसे शूट किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड वी आर प्लानिंग फॉर तेरी आदत टू ऑल्सो। भाई वेन इज अलादीन नाम सुना होगा, आ रहा है अभी तो नहीं आ रहा है बट जब आएगा तो डेफिनेटली बताऊंगा, बट अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। माई इंस्पिरेशन प्लीज टेक माई नेम मेविश, हे मेविश, वसूली भाई कहाँ है, वसूली भाई, वसूली इधर आओ, ये है वसूली भाई, वसूली भाई आजकल बहुत मूडी हो गए, लव यू टू। चिंकी मिंकी को ऐड करो, चिंकी मिंकी फिर भी समृद्धि इज हियर, चिंकी मिंकी इज हियर रियली, चिंकी मिंकी ऐसे छुप छुप के लाइव में देखो, रिक्वेस्ट भेजो। होने लगा तुमसे प्यार इज माई फेवरेट, होने लगा तुमसे प्यार इज माई फेवरेट टू। हाय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाय हाय दिया जॉय, हाय हाय व्हाट्स अप, डू यू नो सिन्हाला, सिन्हाला अच्छी लग रही, शक्ल देख के तो अच्छी लग रही, ये बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, ये हमारे दिनेश भाई हैं,
इन्होंने मेरे लिए मैगी बनाई है, खुशबू बहुत अच्छी है और शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। भाई व्हाट्सअप चिंकी मिंकी दीदी, बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्सेप्टेड, ओके गो लाइव इज। हेलो व्हाट्सअप, हाय सिद्धू, सिद्धू पिद्धू कैसा है? सिद्धू पिद्धू मैगी खा रहा है हमारे बिना। खाओगी? नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी। हेलो हेलो, मेरी मम्मी आजकल जिम करने लगी है बहुत जोरों शोरों से। क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ फटाफट आ जाओ सेट पे। हाँ, बस आ रहे हैं। क्यों हाँ, क्या हुआ? पहले एक चीज बता दूं मैं, ये लाइव है, वीडियो कॉल नहीं। अरे आंटी को लेके आना, मजे करेंगे आज। हाँ सब आए। और क्या चल रहा है, कैसा है सेट का? हम कैसे लग रहे पहले तो ये बताओ। हाँ? बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा। थैंक यू। अब सिद्धू ने बोल दिया हम अच्छे लग रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बच्चा अब आ गया वो कॉन्फिडेंस। मैं झुमको की बात कर रहा था। काट दे क्या, कैसे काटते हैं पता नहीं। पागल हो गया यार। नहीं, बहुत बहुत ज्यादा मुझे याद आ रही है सेट की। तो डेफिनेटली सेट की याद आ रही है। ठीक है। और सिद्धू आप बहुत अच्छी लग रही है, आपके पीछे वाली वॉल, वही मैं बोलने वाली थी। और मैं क्या, ये वही वॉल है जिसमें आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी और दिनेश भैया राम भैया ने पेंट करी, वही वॉल है ना ये? हाँ चलो बाय, कम ऑन। मैंने भी मेहनत थोड़ी सी है मैंने। क्या वो पौधा लगाया ऊपर? नहीं, ये पेंट का डब्बा पकड़ के खड़ा था। और मैंने लगे कीले ठोक दिए। पिंगला रंग हूं ना। नाइस पार्ट, तुम दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, ये फिल्टर बहुत अच्छा लगाया। हां फिल्टर अच्छा, हम तो बहुत चल चुप रहते हैं। चलो 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 करो तुम लोग। ओके सिद्धू पिद्धू, बाय सिद्धू। गाइस इसको आगे से सिद्धू पिद्धू बुलाना। ओके बाय टैमी समोसा। इसके आगे का मत बोलना। ओके बाय, टेक केयर सिद्धू, बाय, जल्दी आ जाओ, मिलते हैं। हाँ please add me, lots of love. Who is Chinky Minky? They are my bestest people, bestest friend, and very very beautiful folks. Hey Shindu Pindu, hare ऐसा कोई नाम नहीं है प्लीज। ओके तो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ फैंस को ऐड करूं लाइव में। हेलो मिसिंग, थैंक यू सो मच। भाई अभिषेक भाई को बुलाओ प्लीज, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। ओके डेफिनेटली मैं उनको बताऊंगा कि दैट आप उनके बहुत बिगेस्ट फैन है, बट ही इज नॉट हियर राइट नाउ विथ मी। वो भी शूटिंग कर रहे हैं, हीरो गायब हो रहा है उनकी, आज शूट का लास्ट डे है।
सेटिंग में इमोशनल मोमेंट्स हैं डेफिनेटली, लोग इमोशनल होंगे इमोशनल होंगे, और मेरा भी अलादीन बंद हो रहा था तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना यादें जो होती हैं वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि जब टाइम आ जाता है उस चीज़ को छोड़ के जाने का तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है। वॉट आर यू गोना डू टुडे? द सिद्धार्थ निगम फैन क्लब है जो मेरे से पूछ रहे हैं। व्हाट आई एम गोना डू टुडे, सी थोड़े बहुत शूट्स हैं, आई विल फिनिश दैट, उसके बाद मैं जाऊंगा हीरो गाय मोड ऑन के सेट। एड अनुष्का, अनुष्का आई डोंट नो वेयर इज अनुष्का, अगर वो लाइव देख रही है तो शी कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट। ओके गाइस, आई वांट टू जॉइन फ्यू पीपल इन दिस लाइव, बट मैं जैसे ही ओपन कर रहा हूँ रिक्वेस्ट जो होती है वो सिर्फ बफर कर रही है, आ ही नहीं रही है। फेवरेट आईपीएल टीम, यार देखो ऐसे तो फेवरेट तो मुझे खुद नहीं पता, अगर आईपीएल टीम की बात की जाए तो मुझे एमएस धोनी बहुत पसंद है, तो मुझे डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग इज माय फेवरेट टीम बिकॉज ऑफ एमएस धोनी। एंड अभी तो आईसीसी वर्ल्ड कप, क्या बात है, आईसीसी टी20 आईसीसी वर्ल्ड कप आ रहा है, आ चुका है, और घमासान मैच जो है आने वाला है विच इज टुमारो आई थिंक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, डेफिनेटली बहुत ही क्रेजी मैच होने वाला है, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सपोर्ट टीम इंडिया, एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि हमारे जितने प्लेयर्स हैं इस बार सब बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं। सो या वी ऑल कैन प्रे फॉर देम एंड विश देम कि इंडिया ही जीते और इंडिया फाइनल्स में जाए और ट्रॉफी ले जाए। What are you going to do after live? What I am going to do after live? Definitely I will finish my Maggie. मुझे इतनी गर्म है ना कि अभी खाऊंगा जीभ जल जाएगी, फिर मेरे अजीब अजीब रिएक्शन आएंगे, which I don't want, but still I will taste in front of you all. क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैगी बनाई है दिनेश भाई ने। Do you know Tamil shit? No यार, but I love to learn new languages, but नहीं सीख पा रहा हूँ, but मैं सीखना चाहता हूँ। So Tamil हो गई, बंगाली हो गई, और ढेर सारी languages हो गई, मुझे अच्छा लगता है। इंडोनेशिया गया था मैं तो इंडोनेशिया में मैंने दो चार वर्ड सीखे, दिनेश भाई यही दे दीजिए ये वर्ड सुन दीजिए, जब मैं इंडोनेशिया गया था इंडोनेशिया में मैंने थोड़ा बहुत सीखा, आकुचिंता, कल्याण सिंह, इंडोनेशिया, तेरी मकासी। ओके मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इंडोनेशिया का। सो तेरी मकासी मीन्स थैंक यू इन इंडोनेशिया, बट वो चीज़ मुझे नहीं पता था। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट उतरा, और एयरपोर्ट उतरते ही बहुत फैंस थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, सब वेव कर रहे थे, हाय सेट सेट, सब लोग बहुत खुश थे मुझे देख के। एंड जो स्टाफ था अंतेवे का, दे उनके जो स्टाफ थे वो खड़े हुए थे, एंड मैंने उनको ग्रीट किया, एंड देर लाइक तेरी मकासी, तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा। मैंने कहा कि जानना पहचान, और अभी मतलब ये भी उतरा हूँ और ये ऐसे तेरी मकासी क्यों बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो गया, और मैंने मतलब मम्मी को बोला, मम्मी थोड़ा मतलब कुछ तो अजीब सी ये चीज़ बोल रहे हैं, आपने सुना? तो मैंने उनको फिर से कुछ ऐसा ना हेलो किया, लाइक तेरी मकासी, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत है, तेरी मकासी। मैं पूछा कि नहीं नहीं मेरी मकासी नहीं है, मेरी माँ बेबा ने कहा मैं उनको तेरी मकासी मत बोलो, वो कासी नहीं है, मतलब व्हाट इज कासी। देन दे एक्सप्लेन मी, देन दे लाफ फर्स्ट एट मी, एंड देन दे एक्सप्लेन मी कि तेरी मकासी मीन्स थैंक यू, लाइक ओके। तो मैं सबको तेरी मकासी तेरी मकासी तेरी मकासी बोल बोल के खूब मजे लिए। हेलो सेड, हेलो 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 यार, आई वांट टू ऐड बट ये बफर क्यों हो रहा है, ऐड क्यों नहीं हो रहे लोग। वेल गाइस, नो डाउट, नो वरीज, मैं वैसे लाइव आता ही रहूँगा, है ना। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव, एंड कंटिन्यूसली सम यू नो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। दिवाली आ रही है, इन्जॉय करो, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, घर की सफाई ज़रूर करो, अपने रूम की सफाई खुद से करो, और उसे डेकोरेट करो, अपनी मॉम का हाथ बटाओ, उन्हें ही मत करने दो सब कुछ, आप भी जाओ, टाइम दो उन्हें अपना, और उनके साथ घर की सफाई करो, घर सजाओ, डेकोरेट करो, और दिवाली में एंजॉय करो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स
एंड यस गाइस जो दूर हैं अपनी फैमिली से दे कैन आल्सो सेलिब्रेट उनके दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली में कॉल करके विश करना मत भूलना. सो गाइस थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल सो मच. जस्ट कीप योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमेशा एंड कीप डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग इट. एंड बस बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि 10 मिलियन हो जाएं और हम फिर 10 मिलियन को सेलिब्रेट करें साथ में. सो या बाय बाय गाइस टेक केयर लव यू ऑल सो मच. Thank you.